फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। वेलकम बैक टू सरोज भारत ब्लॉग। तो असल थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरे कमर में मोच आ गई थी, जिससे मैं आजकल बहुत परेशान चल रही हूँ। कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है और कमर में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द लगा हुआ है। नहीं तो मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, बहुत चिड़चिड़ाहट सी ज़्यादा। जब आदमी से काम नहीं हो पाता तो उसको चिड़चिड़ाहट ही आती है, और बुखार आएगा तो इंसान सो जाएगा, लेकिन ये दर्द में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन ये एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन एक हफ्ते से ठीक हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कैसे कर ले रही हूँ काम। मैंने सोचा था कि हल्की सी मोच होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हो ही नहीं रहा है। कल तो मेरी बहुत हालत, कल बाजार बंद भी था, कल तो मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। क्या करें, कभी कभी डर भी लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, एकदम मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। दो दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर मौसम ठंडा हो गया, ना बारिश आ रही है, इसलिए भी थोड़ा लग रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। दोस्तों मैं ज़्यादा ना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, लोहे की कढ़ी का सब्जी का दाल का टेस्ट भी कुछ और होता है, और आयरन की कमी भी पूरी होती है। तो मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ दाल सब्जी, कि जितना ज़्यादा हो सकता है लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए। और मैं ये पी रही हूँ ब्लैक टी, सुबह सुबह की ब्लैक टी है। सुबह सुबह किचन में घुस जाना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि क्यों। तो आज मैं बना रही हूँ तूर की दाल, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा हो रखा था, तो ठंडे मौसम में गहर और तूर की दाल बहुत अच्छी लगती है। अगर मौसम खराब है तो अपने आप से ही मन होता है कि यह तोर की दाल बनाई जाए, तो वही मैं बना रही हूँ। तोर की दाल बनाऊंगी तो भात में अच्छा होता है, पर हम रोटी ही खाएंगे। तो ये बन गई मेरी गहर की दाल, वही है रेडी। कल रात तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, कल हमने खाली मैगी खाई, फिर मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द हो गया था। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि झुकने वाला काम मत करना, और कल था बाजार बंद, तो थोड़ा सा झुकने वाला काम भी हो ही गया। घर में रह के तो कौन शांति से बैठेगा, मेरी तो विशेष आदत है मैं बैठ नहीं पाती हूँ खाली। तो मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया था, बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर मैंने क्या किया, अब मैगी बना के काम चलाते हैं। मैगी बनाई, वैसे हम लोग खाते नहीं हैं मैगी वैगी ज़्यादा, लेकिन आफत आ गई थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर मैं तो दर्द हो गया था, मैगी ही बनाई। मैंने कुछ ठंडे में भी काम कर लिया, एक तो मोच भी आ रखी है, ठंड में भी काम कर लिया, वैसे मेरे होता नहीं है ये दर्द वर्द कुछ ऐसा, लेकिन हालत ख़राब हो गई कल। अब मेरी दाल ये बन चुकी है, और इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया भी डाल दूँगी। चलो फिर अभी मिलते हैं। पहली बार ये भी ख़रीदना पड़ा, इलेक्ट्रिक हॉट बॉटल, इसने बहुत राहत दी भाई कल मेरी हालत को देख करके। फिर ये लेकर आई इसको, तो इसने भी बहुत राहत दी मेरे को। तो आज मौसम का हाल इस प्रकार से है, और हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, ये बारिश पड़ रही है, बूंदाबांदी होने लग गई है।
अब सीधे आएगी बर्फ। हेलो, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ सरोज पाठन ब्लॉग में, करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज बारिश वाला मौसम हो ही गया है और मुझे तो लगता है कि बारिश के साथ साथ सीधे बर्फ़ गिरने वाली है, फिर लेंगे बर्फ़ का आनंद। और मैं अभी अपना सारा काम धाम निपटा करके अब निकलती हूँ अपनी शॉप के लिए। मौसम तो बहुत ठंडा है लेकिन शॉप तो खोलनी पड़ती है, जाना ही पड़ेगा शॉप में। और एक की लाई में नाइट लैम्प, बहुत खूबसूरत सा है ये। वहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी लेकिन इतना लाना संभव नहीं था, लेकिन मैं घर आके आप लोगों को दिखा नहीं पाई। आज मुझे याद आया कि यार मैं तो आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई, तो ये मैंने दिखाया आपको कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदारी करी थी। और कुछ हो ना हो तो जहाँ पे घर वाली बात आती कि घर के लिए ये है, तो मैं ले ही लेती हूँ। मुझे बहुत शौक भी है, अच्छा भी लगता है और नहीं रोक पाती हूँ अपना आप को, तो मैंने ये ख़रीद ही लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे पति को भी अच्छी लगी, अकेले तो मैं नहीं ले सकती थी, लेकिन ये मेरे पति को भी अच्छी लगी। तो मेरे पति ने भी कहा कि नहीं ये ले जाना है, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करो ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ। मैं इसीलिए अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये कैसा लगा, या अच्छा है या गलत है, या मैं अच्छा करती हूँ या गलत करती हूँ, जो भी हो तो प्लीज़ बता दिया करो ताकि मुझे लगेगा कि मुझे और कुछ क्या करना चाहिए। इतना बड़ा स्टैंड है, लेकिन है बहुत खूबसूरत सा। मैं आज यहाँ अपने बैगपुर से मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। तो ये कितना बढ़िया है, तहसील वालों ने ये दीवार वाल लगा दी है, पर यार ये दीवार अगर पहले लग गई होती तो मैं इतनी रेलिंग यहाँ नहीं लगाती इसको। बगल में भी यहाँ मकान बन गया है, अच्छा लग रहा है। अब मनोज लोगों को खूब खुली खुली जगह हो गई है। ए साइडो साइडो, चलो अंदर, चलो चलो बाबा, चल चल चलो अंदर, चल चलो चलो अंदर, चलो चलो। हमारे पड़ोसियों ने भी स्टील की रेलिंग लगा दी है। मेरे को आजकल देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, आज थोड़ा सा मिल गया टाइम, इन्होंने यहाँ से रेलिंग लगा दी है। और यहाँ नीचे भी इनकी वॉल वॉल बन गई है बढ़िया से। पड़ोस में घर भी बन गया है, तो मुझे लग रहा है दगड़ियों बारिश शुरू हो गई है, अब बारिश आ ही जाएगी। बड़ा इंतज़ार हो रहा है भाई, अगर बारिश नहीं आएगी तो पानी की भी कमी हो जाएगी। वैसे ही अरसे में पानी की बहुत किल्लत है और पानी की भी कमी होगी, बीमारियां भी आएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि बारिश आ जाए। शुरू हो ही गई बारिश, नहीं भीगते हैं बारिश में। सैडो चलो बाबू, आओ बारिश आ रही, चलो चलो बाबू, चल आज आ मेरे सोना, आज आज आ चल ना, चल तू मुंह क्यों ताकता है, चल मेरा मूड बिल्कुल नहीं है खेलने का, चल चल, मेरे पास ही दर्द हो रहा है कमर में, चल चल बाबू। अरे अरे आप देखो उसको सुबह सुबह मस्ती कैसे सूझ गई, चलो आना, चल बाबू चल यार, चल बारिश आ गई, चल चल चल, परेशान मत कर, चल चल चलो। अरे 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 क्या हो गया आज, क्या हो गया, अरे वाह, अरे 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 अरे, चल 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 सैडो, चल आ जा बाबू, चल चल, ठंडा लग रहा, चल मैं बच्चा, चल यार इसको क्या हो गया आज, चलो प्लीज चल यार, चल शाबाश, सा मैं डंडे से मारूंगी नहीं तो, चल देख ले डंडा है, चल लीजिए, चल चल चल। कभी कभी इसको इतनी मस्ती हो जाती है, भाग गया। तो बहुत दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ सा चल रहा है, मेरी मोच आ गई थी एक्सरसाइज करते हुए, नहीं बताना चाह रही थी लेकिन कल बहुत ज़्यादा ही हो गया। मैं इस बीच इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाई, बना ही नहीं पा रही थी, मन ही नहीं था किसी चीज़ में भी, बस दर्द हो रहा था तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था।
लेकिन आज मैंने फिर से सुबह से ही अपना अपनी वीडियो बनानी शुरू करी है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे तो फिर होता जाएगा कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है ये सो, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो बनानी ज़रूरी है और आप लोगों को से भी मैंने शेयर कर ली। और जब मैं गुड़गांव गई थी तो मैं कुछ चीज़ें लाई थी लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी, इसके लिए सॉरी। और अब मैंने वो लगा दी हैं यथाकथित जहाँ पे उनको लगना था। तो मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं उनको फिट कर दूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने इस चीज़ की शॉपिंग करी थी, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो करते हैं थोड़ा सा दुकान को व्यवस्थित, सब ऐसा फैल रखा है। परसों दुकान की सफाई हो रखी थी, कैसे आप व्यवस्था हो रखी देखो। तो कर ली मैंने दुकान की पूरी सफाई, देखो सारा हो गया व्यवस्थित। थोड़ा टाइम लगता है पर सब बढ़िया हो गया। ये देखना झंडा बांधी हो रही है, गाड़ी वाले भी पूरी तैयारी का सामान, बारिश आए कि लोगों का सामान ना भीग जाए कहीं। हाँ सारे लोग टोपी टोपी सब पहन करके हैं। इंतजार हुआ खत्म बारिश का, बारिश शुरू हो ही गई है तो पक्का पक्का बर्फ गिरेगी अब तो। फिर से आपको ये मौसम का रूबरू कराते हुए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त भी करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज मौसम कितना ठंडा है, मेरे पहनाव से तो पूरा लग ही रहा होगा और मुझे थोड़ा सा ठंड कुछ ज़्यादा भी लगती है क्योंकि मैं थोड़ा दुबली पतली, तो कहते हैं कि दुबले पतला लोगों को गर्म भी जल्दी लगता है ठंडा भी जल्दी लगता है, इसलिए मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। और अगर बर्फ़ गिरेगी तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, इंतज़ार करना आप लोग।